ठीक है ठीक है शुरू चलो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ में आज है एक खास मेहमान पुष्पेंद्र सिंह जी। पुष्पेंद्र सिंह डिजिटल, इनका यूट्यूब चैनल, आई एम श्योर अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है या हमारे चैनल पर पुराने जुड़े हुए हैं तो जरूर इनका नाम सुना होगा, क्योंकि पहले भी हमारे चैनल पे आए हैं और इनका खुद का एक बहुत बड़ा चैनल है और वन ऑफ द लीडिंग इन्फ्लुएंसर है क्रिप्टो करेंसी के अंदर इंडिया में। तो स्वागत है पुष्पेंद्र जी आपका, कैसे हो। पंकज भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इनवाइट किया और ये दूसरी बार है जब, क्योंकि आप क्या है कि काफी पुराने टाइम से यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर हो और शायद कहीं ना कहीं यहाँ पर पिछली बार भी हमने इस तरह की चीजें देखी थी जो अभी रेगुलेशन वाली चीजें हो रही है, तो फाइनली एक बार हम आपस में फिर से कनेक्ट हैं और आज ये शो कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, हम सबको पता है पिछले हफ्ते भर से, जब से ये विंटर सेशन की बात निकल के आई है, क्रिप्टो रेगुलेशंस बिल जो निकल के आएंगे, तो सबसे बड़ा सवाल आपके मन में और हम सबके मन में भी यही है कि क्या क्रिप्टो करेंसी बैन तो नहीं हो जाएगी। तो पुष्पेंद्र जी, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या क्रिप्टो करेंसी बैन हो जाएगी इंडिया के अंदर या रेगुलेट होगी, इस पे आपका क्या कहना है, क्या ओपिनियन है। तो बेसिकली क्या है कि मेरा मानना यहाँ पर, जिस तरह से अगर आप देखें, अगर पुरानी बात करें तो पहले जो बिल चल रहा था उसका, उसमें क्या है काफी सारी चीजें नेगेटिव थी और अभी जो मार्केट के अंदर चीजें चेंज हुई है यहाँ पर काफी, अगर हम बात करें चाइना की या बहुत सारी कंट्री के अंदर, उन्होंने भी यहाँ पर बैन करके देख लिया, बैन करने के बाद में कोई सोल्यूशन नहीं मिला और अल्टीमेटली सबसे ज्यादा बिटकॉइन आज भी चाइना के अंदर ही ट्रेड हो रहा है और सबसे बड़ी कंट्री चाइना ही है जो बिटकॉइन को सबसे ज्यादा होल्ड कर रही है। तो यहाँ पर बैन कोई यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं है और गवर्नमेंट ने यहाँ पर आज तो बिल्कुल, जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने आज तो बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जो पुराना वाला बिल था वो अलग है और जो नया वाला बिल है ये बिल्कुल न्यू तरीके से बनाया गया है और इसके अंदर काम कर रहे हैं और जब सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर, ये बिल जब आप सभी के साथ में इंट्रोड्यूस होगा तो यहाँ पर पब्लिक होगी, तो उन्होंने यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट और आज के जो बयान था उन्होंने बिल्कुल यहाँ पर क्लियर कट एक चीज कही थी कि जो एड है उनके ऊपर हम वर्कआउट कर रहे हैं, तो जो ये चीजें हुई है अचानक से पैनिक हुआ है यहाँ पर, कहीं ना कहीं जो ये मार्केट के अंदर बहुत एक जो एड मिसलीडिंग एड चल रहे थे कहीं ना कहीं उनका भी इम्पैक्ट था, तो यहाँ पर और आज जीएसटी और टैक्सेशन और इन सब के ऊपर भी कहीं ना कहीं कमेंट तो बीच बीच में आते रहे, तो ऑब्वियसली क्या है कि अगर बैन होगी कोई चीज तो वहां पर टैक्स की बात तो आएगी नहीं ना, तो मेरे हिसाब से क्या है कि क्रिप्टो रेगुलेशन होने वाली है और यहाँ पर बैन का तो बहुत दूर दूर तक कोई सवाल नहीं है और गवर्नमेंट यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आज की चीज है, आज की जो आपने स्पीच सुनी होगी वहां से बिल्कुल क्लियर है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने भी पहले ही बोला है, आपको कई बार बोला है या लगातार बोलते आ रहे हैं 2017-18 से जब इसकी सूख बुगाहट शुरू हुई थी कि क्रिप्टो करेंसी बैन हो जाएगी इंडिया में, एक जो कमेटी भी बनाई गई थी 2017 के अंदर जिसने अपनी सबमिट करी थी एक रिपोर्ट 2019 के अंदर, सुप्रीम कोर्ट का इतना एक्शन चला, वहां से भी उस चीज को वॉइड कर दिया गया वो सर्कुलर को, तो इतना कुछ हुआ है पिछले 4-5 साल के अंदर, हमारी गवर्नमेंट भी देख रही है और ये सरकार थोड़ी प्रो है टेक्नोलॉजी को लेके, हम सबको पता है। और जो फरवरी के अंदर जो बिल आया था, अगर आपको याद होगा जो लिस्ट किया था बजट सेशन के अंदर, उसके अंदर हमें पता था कि वहां पे भी सेम ही टाइटल यूज हुआ था जो इस बार के बिल जो लिस्ट हुआ है 10 नंबर पे, वही टाइटल यूज हुआ है। लेकिन जो फाइनेंस मिनिस्टर की जो अपडेट है, जैसा कि पुष्पेंद्र भाई जी ने बोला अभी कि फाइनेंस मिनिस्टर की जो अपडेट है या स्टेटमेंट दी है पार्लियामेंट के अंदर, राज्यसभा के अंदर, कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो पहले चीज थी उस पर बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है और अब जो चीज निकल के आएगी वो पहले बिल से काफी अलग हो सकती है, तो यहाँ पे अलग मतलब क्या हो सकता है, मैं ये समझना चाह रहा हूं। यहाँ पे 2-3 चीजें हैं जो दिमाग में है व्यूअर्स के और हम सबके भी यही होती है। पहली चीज देखो, अपनी जो क्रिप्टो करेंसी लाएंगे, डिजिटल करेंसी सीबीडीसी जो लाएंगे वो एक अलग चीज है, उसके बारे में तो हम सबको क्लैरिटी है ही कि अगर वो आती है तो वो कैसे काम करेगी। मेन है कि यहाँ पे 2-3 सवाल हैं जो लोग पूछ रहे हैं, अगर रेगुलेशन जो होप ऑफ विंडो दिखती है, अगर रेगुलेशंस आते हैं या कुछ जो विंडो दी जाती है वो क्या 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 हो सकती है वो विंडो। बेसिकली क्या है, देखो कुछ चीजें जैसे क्या कि अभी एड है तो एड्स जो जिस तरह से क्या कि काफी सारे मिसलीडिंग एड आपने भी देखे होंगे तो वो वाकई मिसलीडिंग है, जैसे क्या कि इतने का बिटकॉइन खरीदो ये बन जाओगे वो बन जाओगे, तो डेफिनेटली क्रिप्टो को समझने में हम और आपको इतना लंबा टाइम लग गया तो एक लेमैन के लिए इतना आसान नहीं है, तो एक तो क्या कि मेरे हिसाब से क्या कि एक जो एड्स है इन सब के ऊपर यहाँ पर रेगुलेशन आएगा, मतलब इनके सबके की गाइडलाइंस जारी होगी कि अगर आप एड दे भी रहे हैं तो ये डिस्क्लेमर होना चाहिए, जैसे आपने देखा होगा
फाइनेंस के या बहुत सारे ऐड आते हैं, तो उनके ऊपर क्या कोई ना कोई डिस्क्लेमर होता है, तो इस तरह के यहाँ पर हो सकता है कि कुछ ऐड के ऊपर ये चीजें आए और जो एक्सचेंजेस हैं उनके साथ में ये हो कि जो भी एक्सचेंज से आप क्रिप्टो बाय सेल कर रहे हो वहां पर जो केवाईसी है वो थोड़ी स्ट्रिक्ट हो जाए, और जो भी यहाँ पर क्या कि होल्ड कर रहे हैं या फिर क्या कि जो भी विड्रॉल ले रहे हैं हो सकता है वहां पर कुछ यहाँ पर कुछ परसेंट वहां पर टैक्स लगाया जा सके। और अगर हम एग्जिट विंडो की बात करें तो वो तो अभी मुझे दूर दूर तक नहीं लग रहा कि ऐसा होने वाला है, और साथ के साथ क्या है कि देखो क्रिप्टो रुकने वाला नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो इसलिए नहीं रुकेगा, पिछले अगर आप 2017 से देख रहे हो कंटिन्यू इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है, क्योंकि ना तो गवर्नमेंट के पास में ऐसे सॉफ्टवेयर है कि वो डायरेक्टली क्रिप्टो को रोका जा सके। आप इंडिया के अंदर रहते हो और आपको क्या है कि इंडिया के अंदर कोई दिक्कत आती है, आप क्या करोगे जाके फॉरेन मूव करने लगोगे, तो कहीं ना कहीं जो इंडिया स्टार्टअप है आज के टाइम में इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टार्टअप क्रिप्टो के ऊपर वर्क कर रहे हैं, एक्सचेंजेस क्या होगा फॉरेन के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देंगे, और बहुत सारे लोग जो इंडिया में रह रहे हैं अगर उनको विड्रॉल भी करना हो अपने रिलेटिव अपने नोन से कोई ना कोई अगर फॉरेन के अंदर होगा उनका तो वहां से भी विड्रॉल करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक तरह से ब्लैक मार्केटिंग बहुत बढ़ जाएगी, और गवर्नमेंट इसके बारे में कहीं ना कहीं अवेयर है, इसी वजह से कहीं गवर्नमेंट यहाँ पर काफी पॉजिटिव यहाँ पर डिस्कशन कर रही है। बाकी जो हमारे मीडिया के अंदर जो इस तरह की खबर आई है उन्होंने क्या है काफी पैनिक कर दिया है, क्योंकि उन्होंने क्या कि यहाँ पर जो दो लाइन यहाँ पर रीड करके उनका पूरा उन दो लाइन से ही सब कुछ यहाँ पर डिस्कशन स्टार्ट कर दिया कि बैन हो जाएगा ये होगा और अभी भेज दो, कई सारे न्यूज चैनल ने तो आपने देखा होगा उन्होंने डायरेक्टली शो के अंदर ही कह दिया भाई इसको अभी भेज दो बाद में मौका नहीं मिलेगा, और लोगों ने क्या कि 58 रुपीज 59 रुपीज का USDT यानी कि स्टेबल कॉइन की भेज मारा है, तो ये कहीं ना कहीं ये पैनिक है और पैनिक के अंदर काफी लोग यहाँ पर नुकसान ही उठाते हैं। इसके अंदर जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं थोड़ा ऐड ऑन करना चाहूंगा, जो हमें लगता है पर्सनली कि क्या विंडो हो सकती है, विंडो ऑफ होप जो कि उस बिल के टाइटल में भी है, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी है, तो इसके अंदर दो तीन ऑप्शन हो सकते हैं। या तो कुछ लिमिटेड क्रिप्टो करेंसीज को अलाउ किया जाए, यानी कि बिटकॉइन इथीरियम टॉप करेंसीज को अलाउ कर दें ट्रेड करने के लिए, और उसका रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना पड़े और उसको जो अपनी फाइलिंग करोगे उसके अंदर आपको शेयर करना पड़े। पहली चीज जो हमें लगती है ये हो सकती है। दूसरी चीज ये हो सकती है कि जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस है उनको बोल दिया जाए कि भैया आप जो है एक्सचेंजेस जो होंगे वो किसी ऑथराइज जो गवर्नमेंट की ऑथराइज एजेंसी है, रेगुलेटेड एजेंसी है, जैसे कि सेबी हो गया या आपका RBI हो गया, उसके अंडर उनको लाया जाएगा और उनको बोला जाएगा कि भैया हमारे हिसाब से जो होगा सारे डाटा रेगुलेशंस को जो भी चीजें होंगी उसके हिसाब से मेंटेन करनी पड़ेगी। तो ये एक दो चीजें हैं जो हमें लगता है यहाँ होनी चाहिए। आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? नहीं बिल्कुल किसी न किसी के तो अंडर लाया जाएगा, मुझे तो जहां पर जहां तक लगता है सेबी के अंडर में ही यहाँ पर क्या कि लाने की पॉसिबिलिटी है, और ये भी यहाँ पर एड ऑन होगा कि क्रिप्टो को आप एज ए पेमेंट यूज नहीं कर सकते, मतलब एज ए करेंसी, क्योंकि करेंसी तो देखो हमारी आईन आ रही है करेंसी वही रहेगी, बट आप एज ए एसेट इसको क्या कि आप होल्ड कर सकते हो, जैसे हम यहाँ पर गोल्ड होल्ड करते हैं बाकी सारी चीजें होल्ड करते हैं, एज ए एसेट आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर एड ऑन कर सकते हो, और बाकी क्या रिस्क वाला जो फैक्टर है वो सब आपका ही रहेगा, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि यहाँ पर गवर्नमेंट इस तरह की चीजें यहाँ पर इस तरह की गाइडलाइंस जारी करे। देखो एक जो कल भी दो तीन सवाल जो लोकसभा के अंदर पूछे गए थे, एक अनस्टार्ड क्वेश्चन था, दो जो थे सॉरी माफ कीजिएगा, दो अनस्टार्ड थे एक स्टार्ड क्वेश्चन था, उसमें ये निकल के आया कि गवर्नमेंट जो है बिटकॉइन ट्रांजैक्शन का डाटा रिकॉर्ड नहीं रखती है, और ऑब्वियस सी बात है वो क्यों रखेगी इस चीज के लिए, तो इस पे क्या कहना है आपका? देखो गवर्नमेंट नहीं रखती है लेकिन जो चीज पहले से ही पब्लिक है जहां पर क्या है पब्लिक लेजर पे है तो वहां तो क्या है कि कोई भी वेरीफाई कर सकता है, तो अल्टीमेटली क्या है कि देखो गवर्नमेंट और रख भी नहीं पाएगी क्योंकि इतना आसान नहीं है, बहुत सारे देखो जब गवर्नमेंट इसके ऊपर वर्कआउट करेगी तो बहुत सारे सोल्यूशन निकलेगी, जैसे इंडियन एक्सचेंज से कितना पैसा गया कितना इन हुआ कितना आउट हुआ, तो हो सकता है कि वहां पर उस लेवल पर चीजें होने लगे, लेकिन अभी इतनी जल्दबाजी में ये सारी चीजें ना तो सोल्यूशन बन सकते हैं, बाद में ये हो सकता है कि बड़ी कंपनी जैसे TCS जैसी कंपनी को कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑर्डर दे दिया जाए कि लोग ये आपको काम है आपको इस तरह से मैनेज करना है, और कुछ एक्सचेंजेस को कह कि कुछ कंडीशन के साथ में रेगुलेट कर दिया जाए, जैसे कि अगर हम US की बात करें तो US के अंदर क्या है कि कुछ ही कॉइन्स के अंदर आप ट्रेड कर सकते हो, वहां पर ऐसा नहीं है कि आप सारे कॉइन्स के अंदर, और होना भी नहीं चाहिए क्योंकि कोई भी एक्सचेंज आए और आज के टाइम में कोई भी अपना कॉइन बनाए और वो डायरेक्टली लिस्ट हो जाए तो कहीं ना कहीं ये इसमें नुकसान भी है, और बाद में वो कॉइन हैक हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो कहीं ना कहीं हम आप और आपको ही उसका नुकसान भुगतना पड़ता है, तो मेरे हिसाब से क्या है कि ये काफी पॉजिटिव पॉइंट है और गवर्नमेंट इसकी तरफ यहाँ पर पॉजिटिव तरीके से देख रही है। देखो जो बैन की अगर बात होती है, मान लो वर्स्ट सिचुएशन के अंदर लोग क्यों डरे हुए हैं,
जो 50-60 रुपए का आप बोल रहे हो यूएसडीटी स्टेबल क्वाइन अगर 50-60 रुपए का बिक रहा है तो आप समझ सकते हो कितने डर गए थे लोग। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो न्यूज निकल के आती है 2017 के अंदर, उसकी रेफरेंस यूजुअली कंसिडर करते हैं, जो सुभाष चंद्र गर्ग जी हैं उनकी अध्यक्षता में जो है एक कमेटी बनाई गई थी, उसने रिपोर्ट सबमिट करी थी, उसके अंदर अगर बैन करने के बाद में अगर आप उसको यूज करते हो 10 साल की सजा की बात की थी। और हमने इतना कुछ इसके ऊपर चर्चा पहले भी करी थी कि 10 साल की सजा हो सकती है, फाइन हो सकता है। क्या वही जो है बैक ऑफ द माइंड लोगों के चल रहा है कि अगर क्रिप्टो करेंसी मैं बेच भी पाऊंगा कि नहीं, अगर बेच नहीं पाऊंगा, अगर मैंने होल्ड कर दिया और सरकार को पता चल गया तो हमें क्या सजा हो जाएगी 10 साल की? तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? तो बेसिकली क्या है कि आज तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है, क्योंकि अब तक हमें भी ये डाउट था कहीं ऐसा तो नहीं है पुराने वाला बिल। वो पुराने वाले बिल के अंदर तो इन्फ्लुएंसर को बैन करने की भी बात थी, इन्फ्लुएंसर के ऊपर भी सजा थी कि 7 साल की सजा अगर आपने बिटकॉइन रखा तो। और वो उस न्यूज ने काफी पैनिक भी किया था उस टाइम, लेकिन यहाँ पर जिस लेवल से वो टाइटल था, क्योंकि टाइटल सेम ही था लगभग, तो यहाँ पर काफी हम ये सोच रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि पुराना वाला ही आ जाए, तो हम भी नेगेटिव थे कई बार, हमें सोचने को वो ये बिल मजबूर कर रहा था। लेकिन अब यहाँ पर क्या कि बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि यहाँ पर जो ये बिल है वो न्यू बिल है, तो न्यू बिल है तो इसका पुराने बिल से कोई बहुत ज्यादा कुछ लेना देना नहीं रहेगा। और डेफिनेटली क्या कि यहाँ पर रेगुलेशन वाली बात ही है, क्योंकि जिस लेवल से यहाँ पर, क्योंकि देखो एड्स पर बैन की बात हुई है या फिर एड्स पर क्या कि यहाँ पर रेगुलेट करने की बात हुई है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मेरे हिसाब से चीजें पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर जाने वाली है। और अगर कहीं टैक्स की बात हो रही है, कुछ भी बात हो रही है, तो वो टैक्स तो उसी चीज पर लगता है ना जो चीज बैन है, जैसे हीरोइन बैन है, हमारे देसी कट्टे बैन है, वो जो भी चीजें बैन है उन पे तो टैक्स गवर्नमेंट उन पे तो ये बोलती नहीं है ना कि टैक्स देना है, तो टैक्स तो उसी पे लगेगा जो चीज रेगुलेट होगी। लेकिन फिर भी हम अपने हिसाब से जो हमारी समझ है उसके हिसाब से तो टैक्स दे ही रहे हैं, और उसके लिए हमने बकायदा वीडियो बनाई हुई है, पुष्पेंद्र भाई के चैनल पे भी होंगी, हमारे चैनल पे भी होंगी। तो चैनल पे से याद आया कि अगर आपने पुष्पेंद्र भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और सेम आपका भी, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर देख रहे हो, किसी भी चैनल के ऊपर देख रहे हो, तो जस्ट अपोजिट कर लो और आपको वो भी इंफॉर्मेशन है। तो हमारी कोशिश यहाँ पे यही रहती है, हम सब की क्या, पूरी कम्युनिटी की कोशिश ये रहती है कि आपको एजुकेट करें, आपकी नॉलेज के अंदर वैल्यू एडिशन करें, और इसका प्रयास शायद हर कोई कर रहा है जो जेन्युइनली क्रिप्टोकरेंसी मार्केट के अंदर काम कर रहा है। और हम तो 4-5-6 साल से आप सबके साथ में यहाँ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे एक और सवाल जो मेरे मन के अंदर आता है कि मान लो क्रिप्टोकरेंसी रेगुलेट हो जाती है, तो आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद कैसे देखते हो? क्योंकि अभी जो बात हो रही है क्रिप्टो करेंसी को, हम अभी जो है पेमेंट मोड ऑफ पेमेंट देख भी नहीं रहे हैं। क्योंकि अगर आप एक कॉफी पीने जाओगे, अगर लाइटनिंग नेटवर्क को छोड़ दें तो आपको इस, या जो कोई और क्रिप्टो करेंसी को छोड़ दें तो एक कॉफी पीने जाओगे 50 रुपए की, 50-100 रुपए का तो आपको वहां पे ट्रांजेक्शन फीस लग जाएगी, तो वो तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ ना कुछ फ्यूचर में सॉल्यूशन निकलेंगे। तो 5 साल बाद क्या देखते हो, 10 साल बाद क्या देखते हो, क्या हो सकता है? क्या गली के नुक्कड़ पे जैसे आज पेटीएम चल रहा है, क्या ये चीज पॉसिबल है? क्योंकि पेटीएम की बात करूं, एक और अपडेट दे दूं, जो पेटीएम के फाउंडर हैं विजय शेखर जी आई थिंक, उनका ये कहना है कि आने वाले टाइम में क्रिप्टो करेंसी भविष्य हो सकती है, ये भी चीज न्यूज निकल के आई है। तो व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल, उन्होंने क्या कि क्लियर कट सपोर्ट किया है, और उन्होंने क्या कि अपना आर्टिकल भी कई न्यूज को उन्होंने इंटरव्यू दिया है, वहां पर भी क्या कि पेटीएम ने बिल्कुल क्लियर कट इसको सपोर्ट किया है। क्योंकि एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर जैसे यहाँ पर रेगुलेशन की अपडेट आती है, सबसे पहला पेटीएम ऐसी एप्लीकेशन होगी जो सबसे पहले क्या कि जितने भी यूजर्स है, क्योंकि देखो पेटीएम की जो पहुंच है वो क्या है कि गांव से लेके हर जगह तक है उसकी, उसके पास में जो यूजर बेस है ऑब्वियसली आप डिनाई नहीं कर सकते, काफी बड़ा यूजर है, क्योंकि एक रेहड़ी वाले से लेके पटरी वाले तक हर तरह का यूजर पेटीएम के ऊपर पेटीएम को यूज करता है। तो यहाँ पर अगर वहां पर डायरेक्टली, क्योंकि उनको क्या है, उन्होंने कहीं पहले भी इस तरह के ट्रायल करे हुए हैं छोटे मोटे तो एक्सचेंज के साथ में, उनको क्या करना है, वॉलेट उनका है ही, बस उन्होंने क्या डायरेक्टली वहां पर पैसे की सर्विस प्रोवाइड कर दे। तो यहाँ पर पेटीएम जो एक्सचेंज के यूजर्स है उनको भी ले जाएगा अपने साथ में, और बाकी लोगों को भी कनेक्ट करेगा, क्योंकि पेटीएम के पास में ऑफर्स की, मार्केटिंग की बहुत बड़ी रीच है। और इसीलिए क्या है कि मुझे लगता है कि जो पेटीएम इस लेवल पर ओपनली सपोर्ट कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो भी चाहते हैं कि क्रिप्टो इंडिया के अंदर रेगुलेट हो। और आपने वो पूछा यहाँ पर 5 साल का, तो 5 साल अगर आप देखोगे, पिछले 2 साल में बड़े बड़े इन्वेस्टर आ चुके हैं। पहले कभी हमने सोचा था कि टेस्ला इस लेवल के ऊपर ओपन बाय करेगा, अब माइक्रोस्ट्रेटजी ऐसे होगा, कल भी वहां पर उन्होंने बिटकॉइन बाय करे हैं। मतलब इतना पैनिक हो, कुछ भी हो, कोरोना वायरस हो, कुछ भी हो, उन्हें क्या कि अपना यहाँ पर SIP स्ट्रेटजी वो फॉलो कर रहे हैं, कि हमें क्या कि यहाँ पर अपनी एवरेज बाइंग करनी है, और उसको वो पब्लिक भी कर रहे हैं, पूरा साइट के ऊपर डेटा है,
और शायद अगर इतनी बड़ी बाइंग नहीं होती तो इस लेवल पर प्राइस भी नहीं पहुंचता। लास्ट ईयर की बात करें तो 4,000, 5,000, 8,000, 7,000 वही ट्रेडिंग प्राइस था। आज ही आप देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं जिस लेवल के ऊपर प्राइस मूवमेंट हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि जो जब रेगुलेशन आएगा तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफिसर है हमारे यहाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज के टाइम में जिनको लगता है कि क्रिप्टो को बाय कर लेंगे तो यहाँ पर कहीं ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट हमारे ऊपर यहाँ पर कुछ दिक्कतें कर दे। और सरकारी जो कर्मचारी होते हैं वो ऑब्वियसली सोचते हैं, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें ऐसी नहीं कर पाते जो कंट्री के अंदर डायरेक्ट रेगुलेट नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग भी यहाँ पर मार्केट के अंदर आएंगे और फिर तो चीजें ओपन हो जाएंगी। तो फिर वहां पर क्या है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी क्या है कि पॉजिटिव कवर करेगा सब कुछ, क्या है कि और बड़े लेवल पर होगा। तो जो चीज 5 साल में होने वाली होगी वो हो सकता है 2 साल में ही हो जाए, और 2 साल में ही हम देखेंगे यहाँ पर कि जो ये प्राइस वाइज देखें या फिर हम रेगुलेशन वाइज देखें, यूजर बढ़ेंगे तो सीधी सी बात है प्राइस बढ़ेगा। या हो सकता है फ्यूचर के अंदर आप क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट भी कर पाए, शायद इस चीज को ओपन कर दिया जाए। बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि अगर देखो अल्टीमेटली क्या कि अगर पेटीएम के ऊपर लिस्ट होता है और पेटीएम बाय सेल की सर्विस प्रोवाइड करता है तो वो वॉलेट तो एक तरह से क्या कि आप कह सकते हो कि इस वॉलेट से इस वॉलेट में मूव करना है, इस वॉलेट से इस वॉलेट में मूव करना है, तो डायरेक्टली आप पेटीएम से शॉपिंग कर सकते हो। तो इस तरह की चीजें हो सकती है, बट जो हो सकता है शॉपिंग वाली चीजों को क्या कि या फिर जो पेमेंट वाली चीजों को उनको क्या बाद में एड ऑन किया जाए, क्योंकि पहली सबसे पहली चीज तो ये है कि रेगुलेशन वाली चीज। हाँ, एक और स्टोरी पेटीएम से रिलेटेड बताता हूँ। मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन कहते हैं जो ये आइडिया आया था ना पेटीएम को, ये बिटकॉइन से ही आया हुआ है। क्योंकि अगर आप देखते हो, पेटीएम आया है लगभग 2013 13-14 के आसपास, और ये जो बिटकॉइन है जिसके अंदर क्यूआर कोड को स्कैन करके सारी चीजें चलती हैं, 2009-10 से चल रहा है। तो कहते हैं कि पेटीएम में जो चीज आई थी ना, कि शायद वो आइडिया यहां से लिया गया है कि क्यूआर कोड को स्कैन करें, फोन टू फोन पेमेंट करें। तो व्हाट डू यू थिंक, ऐसा क्या हो सकता है आइडिया? नहीं बिल्कुल है। सबसे पहले तो क्या कि बिटकॉइन के अंदर ही ये सारे आइडियाज जो आज के टाइम में चल रहे हैं वो पहले ही क्या कि सतोशी नाकामोटो जी पहले इस चीज के ऊपर काम कर चुके थे। आज सोचो कि वही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो उन्होंने वहां पर क्या कि पहले काम किया, मतलब 2010 के अंदर कोई सेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा था, डॉट नेट जावा पीएचपी इन सब के ऊपर बात हो रही थी उस टाइम। उन्होंने क्या कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर ये सब चीजें कर दी जो चीज आज हमारे लिए बिल्कुल न्यू है। अभी भी क्या कि आप देखोगे टेक वर्ल्ड के लिए बहुत सारे टेक पर्सन भी इसको क्या क्या भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो बिल्कुल वही कंसेप्ट है, अगर हम लाइटिंग नेटवर्क का देखें और धीरे धीरे चीजों को देखें तो स्कैन करो और आप इसको यूज करो, तो मेरे हिसाब से क्या है कि बिल्कुल वही कंसेप्ट है और वही कंसेप्ट क्या है कि ग्लोबली चल रहा है। आप देखो बिटकॉइन के साथ साथ में बहुत सारे ऐसे कॉइन आ रहे हैं कि वो नेक्स्ट बिटकॉइन की बात कर रहे हैं, कोई सब नेक्स्ट बिटकॉइन बनना चाहते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज, चलो बिटकॉइन की बात उठ गई है, हालांकि हमारा एजेंडा रेगुलेशन से रिलेटेड था, तो बिटकॉइन जो है इस टाइम पे बड़ा हलचल कर रहा है, और आज क्लोजिंग भी है। शायद वीडियो आज देख पाओगे या कल देख पाओगे, आई एम नॉट श्योर, लेकिन क्या लगता है दिसंबर एंड तक क्या हो सकता है बिटकॉइन का प्राइस? व्हाट डू यू थिंक? थोड़ा सा क्या मंथली क्लोजिंग से और ज्यादा चीजें कंफर्म हो जाएगी, बाकी मैं तो अभी भी यहाँ पर क्या कि लॉन्ग टर्म के अंदर बुलिश हूँ। हो सकता है कि दिसंबर के अंदर कुछ चीजें हैं जैसे अभी रेगुलेशन का इंडिया के अंदर चल रहा है सब कुछ, उम्मीद तो यही है पॉजिटिव होगा। और बाकी और भी कंट्री के साथ में कुछ चीजें चल रही हैं, एक ये जो कोरोना वायरस का न्यू वेरियंट आया है उसकी भी क्या है कि थोड़ा सा हो सकता है कि उसकी वजह से कुछ मार्केट थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म के लिए प्लस माइनस हो जाए, क्योंकि बिटकॉइन एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी है, या मैं बात करूं पूरी क्रिप्टो मार्केट के अंदर वहां पर क्या है कि अगर कुछ इस तरह की न्यूज आती है तो जल्दी यहाँ पर करेक्शन आते हैं, लेकिन जो रिकवरी होती है वो यहाँ पर कहीं टाइम नहीं लेती। यहाँ पर ऐसा नहीं लगता शेयर मार्केट के अंदर 2 महीने लग गया, 2 महीने तक क्या है कि साइडवेज चल रहा है मार्केट। यहाँ पर हो सकता है कि आज न्यूज पॉजिटिव आई तो फिर हो सकता है कि आज ही यहाँ पर 50% डंप हुआ था और 150% अप हो जाए। तो मैं यहाँ पर क्या दिसंबर मंथ के अंदर भी बुलिश हूँ, बट थोड़ा सा क्या कि 2-3 एक्सेप्शन है जिनके बारे में कोई कमेंट अभी नहीं किया जा सकता, जिस तरह से अभी ये वायरस वाली न्यूज है उससे कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मार्केट इंपैक्ट तो हुई है और कई सारी कंट्री की फ्लाइट भी बंद कर दी गई है। तो थोड़ा सा क्या है कि हो सकता है कि अभी यहाँ पर उसके ऊपर कुछ जल्दबाजी होगी कमेंट करना। चलो, लेकिन इसके अंदर एक एड ऑन कर दूं, फैक्ट आपको पता है कि नहीं पता है, हाफिंग जब भी होती है उसका जो फॉलोइंग ईयर होता है, यानी कि 2017 में 16 में हाफिंग हुई, 2017 में नवंबर ऐसा महीना था जो कभी भी नेगेटिव में, यानी कि जो उसने अक्टूबर की क्लोजिंग हो और इस टाइम पे अक्टूबर की क्लोजिंग $61,500 के आसपास है, उससे नीचे क्लोज किया हो। पहली बार अगर ऐसा होगा, $61,500 से नीचे अगर ये क्लोज करता है, तो समझ लीजिएगा नेगेटिव में होगा, और हाफिंग के बाद में। और 2013 में भी ऐसा चीज देखी गई, ग्रीन में रहा, 2016-17 में भी ग्रीन में रहा, और जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर की बात करें वो सारे ही ग्रीन के होते हैं। तो बड़ा
इंटरेस्टिंग रहेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऑलमोस्ट इस टाइम पे 57,000 डॉलर्स के आसपास चल रहा है कि यहाँ से 4-5 हजार डॉलर का पंप ले सकता है, लेकिन कुछ नहीं कह सकते बिटकॉइन का। लेकिन ये जो आपने बात की है कि एक्सेप्शन होते हैं, जैसे कि न्यू वेरियंट आया है, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालते हैं जिंदगी पे, डालते हैं, और ऑब्वियसली फाइनेंशियल मार्केट और क्रिप्टो करेंसी पे भी वही चीज देखने को मिल रही है। नहीं तो यूजली क्या होता है इस चीज को अगर नोटिस करते हो कि अगर जैसे गोल्ड है, गोल्ड का प्राइस बढ़ गया इस चीज की वजह से, क्योंकि लोगों को लगता है जो सबसे सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट हो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन बिटकॉइन के अंदर भी देखोगे ना, 52-53,000 डॉलर से ये जो बाइंग हुई है, और उसके बाद हमने 59,000 डॉलर के आसपास दोबारा इसको देख लिया 24 से 48 घंटे में। तो यहाँ ये चीज बताती है कि क्रिप्टो करेंसी को भी आप हल्के में नहीं ले सकते। और दिसंबर की मैं भी एड ऑन कर दूं कि जो टेक्निकल बताते हैं, जो चार्ट बताते हैं, अगर ये यहाँ सस्टेन कर पाता है तो हो सकता है शायद ये 85,000-86,000 डॉलर एटलीस्ट अपने ऑल टाइम हाई को जरूर ट्राई करे। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल 75 तो यहाँ पर कहीं नॉर्मल है, क्योंकि 75 तो बहुत आसानी से जा सकता है। बस यहाँ पर जो ये एक्सेप्शंस हैं, और इंडिया के अंदर भी देखो, अगर ये जैसे हमने आपने बताया कि नवंबर मंथ के अंदर हमेशा बुलिश होता है और एंड तो बिल्कुल बुलिश ही होता है, लेकिन यहाँ पर एक साथ दो एक्सेप्शन आ गए। एक तो क्या है कि इंडिया के अंदर भी बहुत सारे लोग क्रिप्टो होल्ड करते हैं, तो बड़े बड़े वेल्स यहाँ पर क्या कि उनको लगा कि यहाँ पर एग्जिट करना चाहिए, और काफी सारे यूजर्स ने यहाँ पर एग्जिट भी किया है। अदरवाइज क्या कि देखो 57 तक यूएसडीटी का प्राइस नहीं पहुंचता, और ये बहुत बड़ा पैनिक था अपने आप में, क्योंकि जो आर्टिकल का लाइन है और जिस तरह से मीडिया में दिखाया है, तो एक यहाँ पर रीजन ये भी था। दूसरा क्या है कि यहाँ पर जो वेरिएंट, जो कोरोना वायरस का नया वेरिएंट है, वो भी यहाँ पर इफेक्ट था, और भी एक दो चीजें जो नेगेटिव हुई थी अभी रिसेंट के अंदर, तो उसका भी यहाँ पर क्या कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है। और लेकिन हम लॉन्ग टर्म के अंदर तो वैसे भी बुलिश ही है, बाकी थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पर वेट करते हैं नेक्स्ट वीक का, और ज्यादा कन्फर्म हो जाएगा, तो बाकी 75 तो हम आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यानी कि बिटकॉइन के अंदर भी वेट करना पड़ेगा, और क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशंस का इंडिया में लेके भी वेट करना पड़ेगा, और अगर वायरस की बात करें तो क्या नई डेवलपमेंट आती है उसके लिए भी हमें वेट करना पड़ेगा। तो बहुत कुछ वेट करना है, और पेशेंस इज द की, इस चीज को हम सबको पता है। जिसने 2017 से 2020-21 तक वेट किया होगा, आज वो किस प्रॉफिट में है हमें बताने की जरूरत नहीं है, और जिसने 2013 से 2017 में वेट किया होगा तो वो किस प्रॉफिट में है ये भी आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो पुष्पेंद्र जी, बहुत अच्छा लगा पुष्पेंद्र भाई आपसे बात करके, और काफी टाइम बाद मौका लगा ऐसे। और मुझे याद आ रहा है जब हमने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी साथ में, हमने बिटकॉइन सिटी की बात करी थी कि मलेशिया के अंदर जो बन रही है, क्या अपडेट है? मलेशिया में ही हो अभी तो आप, तो वहां की क्या अपडेट है? मलाका सिटी कुछ ऐसे था नाम था उसका, क्या अपडेट है उसका? काफी वहां पर काम हो चुका है और काफी काम चल रहा है अभी, और मेरे हिसाब से क्या है कि आने वाले 2 साल के अंदर हमें बहुत कुछ बहुत बड़ा देखने को मिलेगा, कि यहाँ पर एक एक्सचेंज तो रेगुलेट हो चुका है, जो कि जब हमारा प्रेडिक्शन हुआ था जब उस टाइम वो नहीं हुआ था, लेकिन अब क्या है कि यहाँ पर काफी चीजें आगे बढ़ रही हैं, और मेरे हिसाब से क्या है कि ये जो लॉकडाउन है इसने इम्पेक्ट चीजें करी है, क्योंकि जो टाइमलाइन, जैसे कि क्या है कि कोई भी बिल्डिंग है वहां पर क्या है कि वर्कर काम करते हैं, तो जो एक तरह से क्या है कि वो नेपाल से, इंडिया से या और भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से आते हैं, तो वो लोग क्या है कि यहाँ पर ट्रेवल ही नहीं कर पाए, तो वहां पर क्या है कि जो एक तरह से आप कह सकते हो कि जो इंफ्रा बनना था उसमें यहाँ पर टाइम लग रहा है, और शायद वो कोरोना की वजह से भी 2-3 साल ऐसे चले गए पता ही नहीं चले। हाँ बिल्कुल, और फिर क्या है कि आप कंस्ट्रक्शन कर भी नहीं सकते, क्योंकि नए कंस्ट्रक्शन के ऊपर रोक लगी हुई है, तो आप यहाँ पर बहुत सारी चीजें इसकी वजह से इम्पैक्ट हुई है, जो टाइमलाइन है मतलब प्लान कैंसिल नहीं हुआ, जस्ट टाइमलाइन इंक्रीज हो गई है। चलो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि एल सेल्वाडोर तो बड़ा दूर हो जाता है, और शायद आधे से ज्यादा दुनिया एल सेल्वाडोर को जानती भी नहीं थी, बिटकॉइन के खासकर यूजर की, वो कहाँ पर है, कोई अफ्रीका बोलता था, कोई यूरोप बोलता था, कम से कम आज पता तो है एल सेल्वाडोर है कहाँ पे। तो उम्मीद करते हैं कि पास में ही रहेगा इंडिया से तो मलेशिया, तो वहां जाना ज्यादा प्रेफर करेंगे लोग अगर ऐसा कुछ होता है, कोई बिटकॉइन सिटी वहां निकल के आती है। तो पुष्पेंद्र भाई, आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू यार, आपने इतना टाइम दिया अपना, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी आइडिया लग गया होगा क्रिप्टो रेगुलेशन से रिलेटेड क्या हो रहा है दुनिया के अंदर, देश के अंदर हमारे। और पुष्पेंद्र भाई, फाइनल क्लोजिंग कमेंट। बिल्कुल, देखो सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर आए हो तो सबसे पहले क्या है कि इस मार्केट को अंडरस्टैंड करो, और इसकी थोड़ी पास्ट हिस्ट्री के अंदर जाओ, पास्ट में किस तरह की न्यूज आई है, किस तरह का पैनिक हुआ है, और यहाँ पर इसके अगर आपने एक बार ब्लॉकचेन को समझ लिया तो फिर आपको ऐसी जो बैन वाली न्यूज है और ये सब न्यूज है, इन सबसे आपके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला, आप क्या यहाँ पर ट्रू होल्डर बन जाओगे। फिर आप यहाँ पर ये भी नहीं देखोगे यार मैंने तो यहाँ पर बिटकॉइन 57,000 में बाय किया था, अभी 53 हो गया, तो क्या इसको होल्ड करूँ या सेल करूँ,
ऐसी जो छोटी छोटी चीजें, अगर आप एक बार बिटकॉइन का चार्ट देखा, उसके अंदर आपने देखा कि कितनी बार अप एंड डाउन हुआ है, और कितनी बार मीडिया ने ऐसी न्यूज चलाई है कि बिटकॉइन इज गोइंग टू जीरो, तो ऐसी ऐसी न्यूज यहाँ पर मार्केट के अंदर देखी हमने, जहां पर ऐसा लगा है कि बिल्कुल खत्म हो गया न्यूज के बाद में कि भाई बिटकॉइन का एंड हो गया, मतलब सब कुछ ही लिख दिया है। तो यहाँ पर अगर आप ये थोड़ा पास्ट हिस्ट्री के अंदर रिसर्च करोगे, उसके बाद में क्या कि बिटकॉइन का ट्रू फैन बन जाओगे, और आप कभी भी क्या कि ऐसी जो पैनिक वाली न्यूज है उनके अंदर 56 रुपीज का यूएसडीटी तो नहीं बेचोगे कम से कम। देखो यहाँ पे दो चीजें पुष्पेंद्र भाई ने बोली हैं, पहली बात कि आपको पेशेंस दिखाना चाहिए, दूसरी बात जो है कि अगर आपने टेक्नोलॉजी को समझ लिया, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर आपने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को एक्चुअल में समझ लिया तो आप कभी भी इन चीजों से परेशान नहीं होगे। और आपने देखा होगा जब भी ऐसी चीज होती है तो हम ज्यादातर रिलैक्स होते हैं, पैनिक में नहीं होते, और यही चीज आपको करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि 60 रुपए पे अगर किसी ने यूएसडीटी बेचा है और आज लगभग $80 पे दोबारे आ गया है तो नुकसान किसका हुआ? सिर्फ आपका, ना हमारा ना वो मीडिया हाउसेस का। तो पुष्पेंद्र भाई थैंक यू, आपने इतना समय दिया, और कोशिश करेंगे कोई भी और अपडेट आती है तो जरूर कनेक्ट करें आपके साथ में। थैंक यू सो मच, वेलकम, लेट्स एंड, थैंक यू। Thank you.